राम को स्नान कराने के लिए ही धरती पर मानसरोवर से अवतरित हुई थी और इसी सरयू में भगवान राम ने जल समाधि भी ली थी। लिहाजा इस सरयू पर अयोध्या के लोगों की अगाध आस्था है। सुबह सरयू के घाट पर संतों और भक्तों का स्नान और शाम को शुरू हुई सरयू आरती सरयू के सौंदर्य को चार चांद लगाती है और इसी सरयू के जरिए ही श्री राम भद्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का प्रमाण दिया था, जिसे कोर्ट ने माना और आज मंदिर निर्माण हो सका है। चलिए चलते हैं सरयू के तीरे और जानते हैं क्या है सरयू का महत्व। अयोध्या की इस धर्म नगरी में मां सरयू का बहुत बड़ा योगदान है। सरयुग में समाए प्रभु ने मौका जल तब संचित कर ही दिया। ओम जय सरयुग माता। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश बहि सरयू पावनी। स्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरित मानस में सरयू नदी का जैसा वर्णन किया था, वर्तमान में अयोध्या में सरयू ठीक उसी तरह दिखाई दे रही है। अयोध्या की इस धर्म नगरी में माँ सरयू का बहुत बड़ा योगदान है और ये सरयू नदी ही है और हम सरयू घाट पर हैं। यहाँ स्नान हो रहा है और यहाँ के स्नान का बड़ा महत्व है। बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजू सरिकल कलुष नसावन प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही नथूरी। तुलसीदास कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ, फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत ज्यादा है। अयोध्या की पहचान है सरयू नदी। हमारे साथ यहाँ पर घाट पर महाराज जी हैं, बाबा उमादास जी। ये बताइए कि क्या है महत्व, किस तरीके का सरयू नदी का महत्व? सरयू माँ की पावन पवित्र आरती मंगलाचरण आरती शाम को 6 बजे नित दिन होते हैं, योगी बाबा कराते हैं। ये आरती ऐसी है कि आंधी आवे तूफान आवे कुछ भी हो पर आरती नहीं रुकेगी। आरती चाहे माँ का प्रतिमा घर में हो या घाट पे हो आरती होनी है। और भी व्यवस्था जैसे कि बाती फूल माली लोग माँ के ऊपर देह के ऊपर जलाता था वो रुकवा दिए, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि दीवा का नियम है कि जलना चाहिए, माँ की आरती होना चाहिए, लेकिन वो बाती जला के माँ को आरती करके और सरयू घाट के ऊपर रखना चाहिए, लेकिन वो लोग अंदर छोड़ देते हैं जल में। इस पर बाबा ने रोक लगाया, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा और साफ सुथरा जैसे काशी के तरह, उससे कम नहीं बल्कि काशी से भी भगवान शिव का नगरी है काशी और ये राम का नगरी। तो राम चले निज धाम को, माँ सरयू की ऐसी महत्व है कि राम चले निज धाम को सरयुग में समाए प्रभु ने मौका जल तब संचित कर ही दिया। ओम जय सरयुग माता। हर जल कन तेरा पावन है मुक्ति दाता, मैया है मुक्ति दाता, पाप नाशिनी माता, मोक्ष दाहिनी माता, सबका कष्ट हरे। ओम जय सरयुग माता। पौराणिक कथाओं में भी सरयू नदी का उल्लेख है। माना जाता है कि ये पवित्र नदी शहर की अशुद्धियों और पापों को धोती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण
लीला और परधाम गमन की साक्षी रही सरयू का उद्गम स्थल तो कैलाश मानसरोवर माना जाता है। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन है। वामन पुराण के जम्बूद्वीप वर्णन अध्याय 13, ब्रह्म पुराण में 19वें अध्याय, वायु पुराण के 45वें अध्याय में नदी का वर्णन है, जिसमें गंगा, यमुना, गोमती, सरयू आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। ये सच्चे साधक की पहचान होती है कि उसके अंदर कोई बनावट नहीं होती, जो अंदर होता है वही बाहर भी व्यक्त करते हैं। ये जो है सरयू नदी मानसरोवर से आए हैं भगवान के लिए। भगवान जब अवतार होते हैं तो आना पहला सरयू में या आए मनोरमा आए जहाँ से 84 को परिक्रमा उठता है। यदि पहले सरयू में या नहीं आते मानसरोवर से तो भगवान कहाँ लहाते, चारों भाई कहाँ पर स्नान होता। इसलिए महा ये धरती सरयू में या साक्षात माँ हैं, इन्हें साक्षात भगवान के रूप हैं, जिसने भगवान गुप्तार घाट में गुप्त भूमे हैं और संसार के लोग तीर्थों धाम संसार को हैं। इस पे हमारे पत्रकार और हम लोगों योगी जी के और अन्य लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो भारत को, जो भगवान को लिए काम किए हैं और करते रहे, भगवान को जो सेवा करेंगे होते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथा सरयू किनारे बसे साधु संतों के लिए जीवन में दो ही चीजें प्रमुख हैं, नित्य सरयू जी का स्नान और हर पल प्रभु श्री राम का ध्यान। जीवन भर जय हनुमान। यहाँ रामधुन भी बड़ा चलता है। राम राम जी की नगरी है तो हर मंदिर में कहीं 4 बजे से 5 बजे कीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जी हो सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध के सर युग सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध के सर युग सीताराम। सीताराम 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 जी हो सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। ये भगवान रामनगरी अयोध्या की सबसे बड़ी बात यही है कि सब यहाँ पर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और बाद में अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीताराम सीताराम की ये धुन 24 घंटे चलती रहती है। जो मिलता है सीताराम सीताराम। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट अयोध्या। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।